हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष राज ठाकुर है। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। आज हम लोग यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज पढ़ने जा रहे हैं। ये वीडियो दो पार्ट में होगी क्योंकि यमुना बहुत ही बड़ी रिवर है, तो उसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हो, देखिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम लोग ने गंगा के बारे में तो पढ़ ही लिया है। मेरा पहला वीडियो है गंगा के ऊपर में, आप लोग देखिएगा एक बार जा करके, ठीक है। तो गंगा का ट्रिब्यूटरीज के बारे में मैंने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। कहाँ गंगोत्री से आपका भागीरथी और अलकनंदी निकलता है, देवप्रयाग में मर्ज होता है, फिर ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार होते हुए गंगा, गंगा को फिर राम गंगा और काली मिल यहाँ पर मिलता है, इस पोजीशन पर मिलता है। फिर कानपुर से होते हुए ये जाते रहता है जाते रहता है, और अलाहाबाद में आकर के आपका ठीक अलाहाबाद में आकर के यमुना मर्ज करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग इसके बारे में देख चुके थे, ये सारा पोर्शन हम लोग देख लिए। फरक्काबाद से लेकर के हुगली से लेकर के आपका दामोदर, ये सारा हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग को जो पढ़ना है ना फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ना है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इस पार्ट में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे चंबल रिवर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक रिवर को उठा रहे हैं, तो चंबल रिवर कैसे मर्ज हो रहा है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मेरा फिर देखिए अभी क्या है। अब इसके बाद चंबल कैसे सिंध में मिल रहा है, बेटवा, फिर केन, फिर आपका टून, ये सब हम लोग एक इसका नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जानेंगे चंबल कहाँ कहाँ पे मर्ज होता है, दिल्ली से कैसे आता है, आपका यमुनोत्री से होते हुए कैसे आता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर यमुनोत्री से होते हुए आपका यमुना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देख ही रहे हो आप लोग। चलिए तो बात करते हैं यमुनोत्री की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वाला, सॉरी, यमुनोत्री से आपका क्या निकल रहा है, यमुना। दिल्ली से होते हुए कहाँ आता है, मथुरा, फिर मथुरा से होते हुए आगरा, फिर यहाँ पर देख रहे हैं ना फ्रेंड, ये क्या नाम है जगह का, नाम है जालूम डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ का है, जालूम डिस्ट्रिक्ट, ये आपका है यूपी में। तो यूपी में चंबल रिवर है ना इंटर करता है, यूपी में मर्ज करता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, जालूम डिस्ट्रिक्ट में चंबल रिवर। और चंबल रिवर का खुद में ही बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज है। तो चंबल रिवर में कौन कौन सा रिवर मिलता है, देखिए बानस रिवर, फिर पार्वती, फिर काली सिंध, ये तीन रिवर मेजर ट्रिब्यूटरीज है किसका, चंबल रिवर का। और चंबल मेजर ट्रिब्यूटरी है किसका, यमुना का। तो आप देख सकते हो ना, ये जो बानस रिवर है ना, ये राजस्थान में फ्लो होता है, ठीक है। तो राजस्थान में कौन सा, ये अरावली रेंज। अच्छा, रेंजेस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो ये अभी जान लीजिए, अरावली रेंज से ये आपका बानस रिवर निकलता है। तो अरावली रेंज भी बहुत बड़ा है, तो अरावली रेंज से कौन सा जगह से, वेरुन का मठ सिचुएटेड इन खामनोर हिल्स। तो खामनोर हिल्स जो अरावली रेंज में, खामनोर हिल्स है ना राजस्थान, राजस्थान का पोर्शन से खामनोर हिल से आपका बानस रिवर निकलता है, और आपका ये मर्ज हो जाता है कहां पर, आपका रामेश्वर। ये तमिलनाडु वाला रामेश्वरम का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, ये आपका रामेश्वरम, रामेश्वरम नहीं है, ये रामेश्वर है, ठीक है, रामेश्वर। तो रामेश्वर ये एक विलेज है, कहाँ पे, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, ये भी राजस्थान में, ठीक है, आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और देखिए दो और रिवर आता है, एक है पार्वती, एक है काली। तो पार्वती, पार्वती जैसे पहले काली सिंध का बात कर लेते, तो काली सिंध रिवर जो है ना, ये काली रिवर, रिवर गंगा वाला नहीं है, काली सिंध है। तो काली सिंध आपका विद्या रेंज, विंध्या रेंज से ये निकलता है। विंध्या रेंज देखिए कहाँ पर, आपका मध्य प्रदेश में, विंध्या रेंज में जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, देवास डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से ये रिवर निकलता है, और कोटा में जाकर के ये खत्म होता है, चंबल से मिल जाता है। तो कोटा में कहाँ पर, कौन सा विलेज में, नोनेरा विलेज इन कोटा, ठीक है। अब विंध्या रेंज से ये आपका श्योर डिस्ट्रिक्ट से आपका पार्वती निकलता है, पार्वती जो रिवर है वो श्योर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, श्योर, और मध्य प्रदेश की सीहोर डिस्ट्रिक्ट से, और कहाँ पे मर्ज हो जाती है, कोटा में, कोटा डिस्ट्रिक्ट में मर्ज हो जाती है। अच्छा, ये चंबल रिवर अगर देखिए, ये जो मेन चंबल रिवर जो आपका जा रहा है, ये चंबल रिवर कहाँ से निकलता है, जानपव, ठीक है, ये कहाँ पे है, मऊ टाउन नियर, ये आपका इंदौर में है, ठीक है। ये भी आपका कहाँ पे, विंध्या रेंज में पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो जानपव, और ये मिलता कहाँ पे, जालूम डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में। तो मध्य प्रदेश से निकल रहा है और आपका यूपी में, तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों आपका विंध्या रेंज से निकल रहे हैं, पार्वती, काली और चंबल खुद, ठीक है। तो पार्वती और काली आपका किसका ट्रिब्यूटरी हो गया, चंबल का ट्रिब्यूटरी हो गया। और हम लोग सिंध, बेटवा, बेटवा और केन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, चंबल रिवर का अगर बात किया जाए ना, तो चंबल रिवर एक लेजेंडरी रिवर है, ठीक है, एंशियंट स्क्रिप्चर में भी इनका, इसका मेंशन है चंबल रिवर का। अब देखिए जैसे कि बताया गया है, चंबल जो है कहाँ से निकलता है, जनपव से, जो मैंने आपको बताया है, साउथ ऑफ मुहपो टाउन,
ये कहाँ पे है? मौनपुर इंदौर में, ये विंध्या रेंज में पड़ता है, ये भी मैंने बता ही दिया। और जालूम में जैसे कि इट इंटर, जैसे जालूम डिस्ट्रिक्ट में यूपी का इंटर करता है, 33 किलोमीटर ये फ्लो करता है लगभग, और ज्वाइन कर लेता है, देखिए यूपी में 33 किलोमीटर ज्वाइन फ्लो करता है यूपी में, ठीक है। अब जैसे कि बताया गया यमुना रिवर को जालून डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन कर लेता है। एलिवेशन इसका बताया गया है, सो डिस्ट्रिक्ट का एलिवेशन 122 मीटर का एलिवेशन, यानी 400 फीट के ऊंचाई पे ये ज्वाइन करता है, टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ अ ग्रेट गंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम। तो ये गंगेटिक जो ड्रेनेज, गंगेटिक बेस, ये गंगेटिक सिस्टम होता है, तो गंगे इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन ये सब बताते हैं, बताए थे ना, तो इसी का गंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम का ये पार्ट हो जाता है चंबल रिवर। अब देखिए बानस रिवर, तो बानस रिवर के बारे में मैंने भी बताया, बानस रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होता है? तो बानस रिवर आपका वेरुन का मठ कहाँ पर है? आपका कामनोर इल में, अरावली रेंज में सिचुएटेड है, ठीक है। 5 किलोमीटर तक ये चलता है, किधर आपका ये 5 किलोमीटर तक ये चलेगा, कुंभलगढ़ राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में। तो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में ये समझ जाइए, ये आपका बानस रिवर, बस आपको इतना याद रखना है कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, वेरुन का मठ सिचुएटेड इन कामनोर हिल्स। अब अगर बात किया जाए ना, इट फ्लो नॉर्थ ईस्ट थ्रू मेवाड़ रीजन, तो ये मेवाड़ रीजन में आपका राजस्थान का है, देखिए ये राजस्थान से ओरिजिनेट हो रहा है, राजस्थान में ही रह जा रहा है, तो मेवाड़ रीजन में ये राजस्थान का फ्लो करता है, ओके फ्रेंड्स। और ये बताया गया चंबल रिवर में ये मीट कहाँ पे करता है? रामेश्वर इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए काली सिंध, तो काली सिंध का बात किया गया, तो काली सिंध आपका विद्या रेंज बताया गया है, बागली, तो नियर बगली इन देवास डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, या आप कहाँ पे बताया गया, देखिए ये बगली इन देवास डिस्ट्रिक्ट, तो ये यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पर है काली। अब देखिए ये क्या बताया है, ये जो रिवर है ना, ये क्रॉस करता है हाईवे नंबर 18, ठीक है, ईस्ट ऑफ इंदौर, तो इंदौर का ईस्ट में ये हाईवे नंबर 18 को ये क्रॉस करके निकलता है, ठीक है। और ये कहाँ पर आपका? नियर सोनकच्छ एंड ब्लॉक द, कभी कभी इसमें इतना पानी आया था ना फ्रेंड्स, तो ये रोड को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, काली सिंध रिवर, बहुत ज्यादा इसमें फ्लड आ जाता है कभी कभी। अब ये आपका जो ये आपका इस रीजन को भी क्रॉस करता है साजदपुर डिस्ट्रिक्ट, समझ रहे हैं। अब देख लीजिए ये सब, ये सब कहाँ का बात हो रहा है? मध्य प्रदेश का बात हो रहा है। अब देखिए ये बाउंड्री बनाता है साजदपुर और राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट नियर, सॉरी ये मध्य प्रदेश नहीं, ये राजस्थान का पार्ट हो जाता है, ये राजस्थान का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, निकलता आपका मध्य प्रदेश से है लेकिन ये राजस्थान का पार्ट है। तो देखिए इट मेक्स अ बाउंड्री बिटवीन शाहजहांपुर एंड राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट नियर सोयाटकलन एंड इंटर राजस्थान नियर विंध्या रेंज, देख ही सकते हैं अब इसका देखिए इसका जो बताया गया है ये है ना, इट पासेस थ्रू बारन एंड कोटा डिस्ट्रिक्ट, तो बारन से, कोटा डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान से निकल करके फिर आपका कोटा में जाकर के चंबल रिवर से ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, काली सिंध। और पार्वती रिवर के बारे में तो वही बताया ही मैं, पार्वती रिवर आप देख लीजिए, पार्वती रिवर इज अ रिवर इन मध्य प्रदेश में है, इंडिया डैट फ्लोज इनटू अ चंबल रिवर, तो ठीक है। इसका लोकेशन मैंने अभी अभी जस्ट बताया कि आपका कहां से निकलता है, विंध्या रेंज से निकलता है, ठीक है। तो विंध्या रेंज कहां से? आपका सीहोर से डिस्ट्रिक्ट से, द रिवर राइजेज एट अ हाइट 610 मीटर इन द विंध्या रेंज इन सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, और चंबल रिवर में आपका मर्ज कर जाता है ये। तो फ्रेंड्स ये कोटा में जाकर के चंबल रिवर से मर्ज कर जाएगा, मध्य प्रदेश से निकलता है विंध्या रेंज से और कोटा में जाकर के मर्ज कर लेता है, ये था कहानी पार्वती रिवर का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बेटवा सिंध इन सब के बारे में, जो रिमेनिंग पार्ट जो रह गया है ना उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।